सब्सक्राइब कीजिए एक्स फाइटर बर्ड्स को और उसके साइड में दिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप बर्ड से रिलेटेड वीडियो कभी मिस ना करें। ये है गुलाबी चांदना माग चांदना और ओए ऐसी वाह जी वाह, ये कलर गुलाबियों में अलग ही कलर है। वाह 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 वाह, माग चांदना और चोटीदार कलर, देखो ये कलर। वाह भाई वाह, लाजवाब कबूतर है सच, माग चांदना है पूरा। वाह जी वाह, मतलब हमारी ऑडियंस को मतलब आज दिखने वाला है कुछ तगड़ा। वाह, और मगर मैं आपका ये एक ही सच बताऊं कि थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप इतना अच्छा शौक दिखा रहे हो, लोग दिखाते नहीं, लोग छुपा के बैठ जाते हैं। मगर लालवन चांदनी देखो जी, दसों पर हद है। बहुत बढ़िया हरुण भाई, बस सामने से और ये है मुखी है। वाह जी वाह, तो इसको भी हम गुलाबी बोलेंगे क्या? ये मुखी है, मुझे दिल्ली के सदर से रिक्वेस्ट है जी। जी दानिश भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ जी जी, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और आपसे वो काम ले रहा है, तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई किसी को आवाज देना है 50,000 रुपए पहले सिक्योरिटी जमा करा दे। बात, और भाई उसके हराम क्यों हो, तो क्या बयान डूबले डूबता, मुझे बदतमीजी करनी करनी। हां बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सच में। मैं गंदर नीचे से निकल के आ रही है और उभर रही है, तो भाई इसको उभरने मत दो भाई। ये सब बिल्लू भाई को ऊपर वाला इज्जत दिला रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये मेरे भाई आ रहा है, ये मेरा होता उड़ा रहा है आगे, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो सिर्फ उसको जानता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पीछे तारीफ करता हूँ, अगर मैंने आज रात कोई फ़ोन कर दिया ना, अगला नीचे खड़ा हुआ है, तो भाई मैं इससे बारे क्यों ले जाऊँ। हमारे MCD के ऑफिसर भाई देखो, ये यूँ ही आएंगे और यहीं घुस जाएंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स फाइटर बर्ड्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज मैं आया हूं दिल्ली आज़ाद मार्केट के पास, ये लोकेशन है, और जिनके पास मैं आया हूं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपने इन्हें पहले भी देख रखा है MD बर्ड यूट्यूब चैनल और शौक ए कबूतरबाजी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि उनका खुद का ही चैनल है। सो गाइस, आज मैं आया हूँ हारून भाई के यहाँ पर, जो कि आज़ाद मार्केट की तरफ से यहीं, मतलब आज़ाद मार्केट के पास ही इनकी लोकेशन है। मैं भी पहली मर्तबा गया था और 2 साल से हारून भाई के पीछे लगा हुआ था उनके शौक को देखने के लिए, तो मगर अब जाके मुझे मौका मिला और मैंने वीडियो शूट करी। अभी इनके पास कुछ नए कबूतर हैं, मगर हम इनकी वीडियो जो है सीज़न में भी शूट करेंगे, अगर हारून भाई की इजाज़त रही तो चलिए। और गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप भी वीडियो शूट कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो रहा होगा एक्स फाइटर बर्ड्स का, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो गाइज, हरुण भाई कितने कबूतर हैं अभी आपके पास, ये वाले जो उड़ रहे हैं? भाई 70 कबूतर, 70-75 कबूतर हैं। 70-75, वाह भाई वाह। और ये आप बिल्कुल नए कबूतर लाए हो ना अभी? सब पर बने आए। वाह भाई वाह, ये देखो गाइस यहाँ उड़ रहे हैं, और अभी तो वीडियो स्टार्ट लास्ट तक, और वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो फिर छूटेगा कुछ ना कुछ, फिर बोलोगे भाई ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया, सब कुछ दिखाऊंगा बढ़िया से, वीडियो को एंड तक देखना बस। वैसे तो एंड तक देखते ही हो, मगर स्किप मत करना। बाजू गया, क्या गया? बाजू गया ना सर। ये देखो, वाह भाई वाह, और छत का ये कुछ सेटअप है, ठीक है। हरुण भाई कैसे हैं आप? बस करम है उस परवरदिगार का, ये देखो हमारा एक महीने का शौक, कोई सीटी कुछ नहीं। ये देखो गाइस, वाह भाई वाह, आज बहुत देर लगा दी इनने, मुझे तेरे रुकता ही नहीं आ पर ये नहीं रुकता। अरे आज अरुण मेरा भाई आया, भाई ये हमारे भाई आए, अरुण भाई मुस्तफा कैसे हैं आप? मुस्तफा से आए हमारे भाई, देखो ये मेरे भाई की मोहब्बत है, वहाँ से भाई मेरा भाई, एक मिनट भाई, ये भाई मोहब्बत वाली बात है, फोन करते आ गया मैं एकदम। बहुत बढ़िया,
तो गाइस मैं आपको अभी सुबह का समय बता दूं, सुबह 7 बज रहे हैं इस समय। अस्सलाम वालेकुम, कहां जाते हैं? और हरुण भाई कबूतर उड़ा रहे हैं, ये देख लो भाई, कौन नहीं रहा इसके अंदर। तो दो ही कबूतर गए हैं हरुण भाई। वाह भाई वाह, वो जा रहा उधर। वाह भाई वाह, तो हरुण भाई खेल पानी लगा रखा है क्या आपने? ये भाई मैंने कुछ नहीं लगा रखा। जी जी, ये वो है ना, वो पता नहीं क्यों मेहरबान है, मतलब कबूतर भाई खत्म कान भर में तरक क्यों चाहिए, जो भी मजा इसका कुछ और है। मैंने कुछ लगा रखा, ये लड़वा रही है देख रहे हो गाइस। और ये इज्जत, ये इज्जत जो है ना, ये हमारे बिल्ली भाई को, ये वो दिलवा रही है। ये आ गया गाइस वहां से। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तरुण भाई ये बीच में टुकड़ियां, ये खोल रखी है, मद्रासी है, मद्रासी है। अच्छा खोल रखी है। वाह भाई वाह, मैंने हरुण भाई आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप कह रहे थे ये कबूतर तो 100 रुपए में भी नहीं बिकेगा, ये वही कबूतर है ना भाई? चक्कर क्या है, हाँ। गलती मेरी है, हाँ। किसी गलती नहीं है, हाँ। मैं लाता था, पट्टा निकलवाया घर का, हाँ। और छोड़ दिया, उड़ान चालू कर दिया, हाँ। लोग पकड़ लेते, लोगों की आदत पड़ गई, हाँ। अब लोग काम से भी बेचे, अपने काम पे कहीं कहीं नहीं जाते थे, हाँ। कबूतर पर डिपेंड बैठ रहे थे, कबूतर आएगा तो 2 कट्टे बाजरे के आ जाएंगे। सही, मेरे कबूतर कम से कम 2 कट्टे बाजरे के आराम से आते थे। जी जी, तो इस चक्कर में पर मेरे दिमाग में, भाई साहब ने दिमाग में डाला, कहने लगा ऐसे पालो जो चौक पर ले खड़ा रहे और लगा दुकान लगा खड़ा रहे काम करके, यहाँ जी 10 जनों को दिखाया, 50 ले लो, 100 ले लो, तो इसी वजह से भी पाले भाई। और भाई वो पड़ेगा कबूतर सारे, सही बात, बढ़िया कबूतर पड़े सारे, वो अंदर जो है सब पड़े हुए, सब हैंगे अभी। अच्छा अच्छा, अभी हटाए नहीं हारून ने, हाँ। पर ये थोड़ी चार ऊपर वाले जो हारून जो थे ना पहले वाले, सही बात, वो गए छुट्टी पे, अब दूसरा हारून आया हुआ और एक मेरा भाई हारून और आ गया। अब तुम जानते हो हारून नाम कैसे होते, बहुत बढ़िया, बहुत जो दिमाग में सरक काट ली काट ली। सही, तो भाई मैंने को किसी घर वाले को ले लिया, सही बात है। अब किसी की बीवी कोसे, किसी की अब्बा कोसे, किसी बाप कोस रहा हो कि साला रखो छक्के बैठ रहता है, ये थोड़ी हो उनको, ये थोड़ी पता है कि हारून के कबूतर चक्कर बैठ रहता है। तो अच्छे पालने भी सही नहीं है, बुरे पालो, दो आदमी को काम पे चले जाए। अच्छा ये देखो गाइस, ये है ऊपर यहाँ पे। वाह भाई वाह, 2 बार देखो, 2 बार काफी दूर हाथ मार कर आए। वाह भाई वाह, और बिना किसी उसके हो शोर शराबा हल्ला हुल्ला। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जो मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, कि अभी जब हम आए थे यहाँ पे छत पे, तो एक ठाटर पे कबूतर बैठा हुआ था, तो हरुण भाई ने कहा भगाओ इसे यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं कि भाई पकड़ने के लिए बैठ गए, उन्होंने कहा भगाओ। मैंने ही सोचा कि चलो यार पकड़ लेता हूँ इसे, मैंने सोचा, तो हरुण भाई ने मुझे ही बोला अरे विशाल भाई क्या कर रहे हो, हटाओ इसको। तो ये होती है एक असली कबूतरबाज की, कि मतलब प्रेमी की, ये नहीं कि मतलब कोई कबूतर आ गया तो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गए। और ये देख लो वहाँ पे उड़ रहा है, क्या लोकेशन देख रहे हो गाइस, इतनी बढ़िया ऊपर की छत है, सूरज निकल रहा है एकदम, और कबूतर उड़ रहे हैं, वाह जी वाह, वाह भाई वाह। क्या कबूतर उड़ रहा है देख रहे हो गाइस, ये वो देखो वो जा रहा है, वाह भाई वाह। जब आपके कबूतरों की पर गिरी है, ऐसे सर्दियों में कबूतर उड़ते हैं जब लोग दौड़ाते हैं, तो आई थिंक मैं कहता था मेरे को कुछ नहीं आता, ये ऊपर वाला उड़वा रही है और ये बिल्लू भाई को जो दिलवा रही है ऊपर वाला, ये उनको उसे दिला रही है। मैं तो बस सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूँ भाई, और मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे मजा आता है जब मैं थक जाता हूँ ना, जब कबूतर छोड़ता हूँ। मैंने ये नया कबूतर 1.5 घंटे उड़ाया है। जी जी जी, हाँ, 1 घंटे का रिकॉर्ड मेरा था, 1 घंटे 10 मिनट का, 1.5 घंटे उड़ा है। अब देख लो कैसा उड़ लिया कबूतर, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उड़ रहा है, सच में बहुत बढ़िया उड़ रहा है। पर गिरी देख लो कबूतर की, वो गया उधर, गया उधर, गया वो देखो वहाँ पे उधर। वाह जी वाह, मतलब इतने कम समय में आप इतना अच्छा कबूतर सेट किया है ना, वाकई में बहुत दिनों का उड़ता है इसको, अभी महीना भर ही तो हुआ, 1 महीना हुआ है, 1 महीना। 13 तारीख को कबूतर आए थे, जी जी जी, 22 तारीख को चालू कर दिया। लाल गेट, गेट लाल गेट, वाओ उस्ताद आओ नीचे, जावेद भाई खड़े थे, आ गए जावेद भाई, दो जो हमारे उस्ताद आ गए भाई, देखो यार इनकी एंट्री एंट्री उस सब पीछे आए, मेरी जान ये उस्ताद काफी नहीं। बे 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 बे। और ये हमारे उस्ताद,
ये हमारी जान है, एमडी बर्ड्स के चीफ गेस्ट। ये हमारे जावेद खलीफा, नबी करीम की आन और शान और मान। ये ऐसे जो ऐसे शख्स होते हैं जो उस्तादों का नाम करते हैं, आज भी जिन्होंने सिखाया सब कुछ करा उनको नहीं भूले। अभी आपने इनकी वीडियो देखी होगी इनकी, कि मैं अपने अब्बा असलम तालीम से उस्ताद से कभी भी मैं दौड़ नहीं पता दूबर दूब कुछ। इसे कहते हैं वाह वाला। देखो भाई, हुनर को सलाम है। जी जी। और उड़ाते भी कबूतर ऐसे ही हैं। कबूतर देख लो, कबूतर गया है। हाँ, वहाँ पे है, उधर चला गया था, वापस आ रहा है। अब तो अब वापस आ रहा है, चला गया था। वाकई में हरुण भाई, वाकई में मजा आ गया सच में। किसी वही का हाँ, मैं देखी भी नहीं। भाई इनका मैं रोज शौक देख रहा हूँ, हाजी हारून का भाई, इनका बहुत ही बेहतरीन कबूतर उड़ लिया है। और नया पर इतनी जल्दी इतनी खूबी से उड़ता नहीं है। सही बात है भाई। एक मिनट भाई, अभी अभी मेरी मेरी एक बात और बाकी है। मैं गली गली कहता हूँ, मैं कबूतरबाजी नहीं करता हूँ, यहाँ इंजॉय करता हूँ। सही बात। और ये सब भाई आते हैं मेरे, इंजॉय करते हैं आने वाले टाइम के अंदर। क्यों, यहाँ पर भाई सबका हक है, जितने मेरे दिल वाले हैं। आने वाले टाइम के 200 पटियाले छोड़ूंगा और जावेद भाई उड़ाएंगे यहाँ से। और ये भाई मैं जब से भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया बात। और भाई देखो, यही हौसला अफजाई कुछ रही है भाई। और ये हमारे और भाई, मैं जावेद भाई का विश्वास कर रहा हूँ भाई, बेहतरीन आदमी, नाइस आदमी। चंद लोग ऐसे हैं, एक उसके नाम है हमारे जमुना पार वाले खलीफा अफजल जी जी, और एक हमारे जावेद भाई। इन दो शख्स का भाई बड़ा इज्जत करता हूँ। क्यों, इनका मैंने हुनर देखा है कबूतरों से बातें करते हुए। ये लोग कबूतरों से बातें करते हैं, फिर देखो जलवा तुम इनका क्या। बस अल्लाह ताला भाई, माशाल्लाह जवाब नहीं है और कबूतर ऐसा उड़ रहा है बस। एक घंटे भी जो उड़ा लो अभी। ये मेरे भाई मुस्तफा से हैं भाई, इनका नाम भी हारून ही है। ये मुस्तफा से हैं। अच्छा, ये हारून भाई हैं। हां, ये हारून भाई, इनके बड़े चर्चे हैं भाई। हां जी, एक मूवी डाली हुई मैंने कहा सबसे मेरी जान। वाह भाई, बिल्लू भाई की तरफ से भी बिल्लू भाई का स्वागत कर रहा हूं मैं भाई। माशाल्लाह, भाई वो तो है नहीं, लेकिन डेली देख रहा भाई इनका स्वागत हारून भाई का। वाह जी वाह। भाई शौक जो होता है ना जिगरे से होता है, जिसके पास जिगरा होता है वही शौक कर सकता है। पैसे से नहीं होता, जिगरे से होता है। सही बात। तो ऊपर वाला सबको देता है। सही बात। जिगरा किसी किसी को देता है भाई। तल्ली का जोड़ दिए लो जी, इतनी जल्दी जोड़ना उड़ाना आसान काम नहीं है। वाकई में ही हारून ये है कि गिर पड़ तो लगी रहती है। मैंने भाई खुद देखा, एक एक सीजन लोग तावे लगाते नए कबूतर को। अपना दिल खुश करता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ मैं छोड़ देता हूँ, और जब तक मैं थकता नहीं भाई मैं उड़ाता रहता हूँ। और भाई मैं जितना शुरुआत इन कबूतरों को करूँ, और उसका तो कोई कोई वो ही नहीं है भाई। उसका जितना शुरुआत में रात्रि सजदे भी करूँ तब भी कम है। कबूतरबाजी नहीं है, सहदी पक्का करा था, सहदी सोख करा था। अभी देखो ना मेरा भाई शिजार सोते सोते उठ के आ गया। क्या सिर्फ मोहब्बत है, कुछ नहीं है। सही बात। और पर आदमी ना इंसान इंसान इसी को लेकर गलत वे में ले जाता है उसको, कि नहीं नहीं वो अगर आ गया उठ गया। भाई मेरा सबसे प्यार है दिल्ली के, जितने भी उस्ताद हैं सब मेरे उस्ताद है, क्यों मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। और भाई जिसको मैं इज्जत देता हूँ, जिससे प्यार करता दिल से करता हूँ, ऊपरी मोहब्बत किसी नहीं करता। मैं तो सबसे देखता हूँ, अगर किसी का कबूतर शौक हो रही है ना, आदमी जाके डायरेक्ट उसको हौसला अफजाई करना चाहिए। पर क्या है, यहाँ अपना नुकसान करने के बाद, अपना वक्त खराने के बाद देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर दूसरे मुंह से नहीं कहते भाई तेरा कबूतर बढ़िया है। भाई मैं क्यों खिलवाऊँ किससे बढ़िया, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो सिर्फ उसको जानता हूँ। और भाई यही प्यार मोहब्बत है, ये हमारे उस्ताद यार। देखो इनकी एक मिनट को एक इनकी क्वालिटी मैं सोच रहा हूँ, पीछे तारीफ करता हूँ। अगर मैंने आज रात कोई फ़ोन कर दिया ना, अगला नीचे खड़ा हुआ है, तो भाई मैं इससे बारे क्यों नहीं जाऊँ। और देखो ये हमारे ये तो प्यार होता है भाई, ये हमारे एमसीडी के ऑफिसर भाई। देखो ये एमसीडी में भाई अपनी ड्यूटी छोड़ के, ड्यूटी इनकी 8 बजे लग जाती है। देखो अब 9:30 बजे फिर अगला यहाँ खड़े हैं। और ये हमारे इरफान भाई, देखो मेरा भाई मोहब्बत में सुबह 6 बजे फोन मारा भाई हाजिर है। ये हमारे विशाल भाई हैं, ये हमारे भाई नोएडा से आए हैं। सिर्फ हम भाइयों की सब मोहब्बत के चक्कर के अंदर
कोई मुझसे कहेगा ना यहाँ से आजाद मार्केट चले जाए, मैं कभी उठ के नहीं जाऊँ सुबह, तो सबसे बड़ा अलगसी हमारा मैं हूँ, समझ ना। और तो भाई मैं इसी खुशी के अंदर भाई का स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर हरुण भाई कहेंगे तो मैं तो आगरा भी चला जाऊँगा हरुण भाई के लिए। और ये भाई ये छोटा सा तोहफा भाई के लिए। बहुत बढ़िया। चंद लोग होते हैं जिनसे मोहब्बत करी जाती है और प्यार करा जाता है। और भाई कबूतरबाजी के हुनर के अंदर, कबूतरबाजी में सबकी देखी, सबकी एक से बढ़कर देखी। हमारे सुरेश भाई का कोई जोड़ नहीं था, लालबन ऐसी थी और मोखने कोई जोड़ नहीं था, क्योंकि बचपन से मैं भी जानता हूं उनको। एक क्या नाम है ब्रिजमोहन, एक हंसराज और एक ये और एक वो हमारे जो वो तो क्या नाम है घुसड़ वाले उस्ताद। वो चार जनों को भाई मैं बचपन से पहलवानी करता था, अखाड़े में जहाज पहलवान मुझे ले आते थे, वहाँ पर इनके साथ जाता था मैं। भाई इनकी भी कोई जोड़ नहीं थी हमारे शौक की, भाई मैं इनका भी स्वाद कर रहा हूँ तक का इसी खुशी के अंदर। वाह भाई वाह। और भाई चंद लोग होते हैं, चंद लोग जिनसे हारों को दिल से मोहब्बत होती है हुनर के मामले के अंदर। क्यों, मैंने अपने उस्ताद की बड़ी सेवा करी है। मेरा उस्ताद ने चरसिया था, चरस पीते थे वो, पीने के बाद झूमते थे बिल्कुल एकदम। उन्हें किसी ने कदर नहीं करी, मैंने उनकी कदर करी। उन्होंने मुझे ऐसा हुनर दिया, आज भी मैं कहीं भी कुल्हाड़ी मार के ना भाई रोटी के बच्चों को खिला सकता हूँ, इतनी अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दे रखा है। और भाई उस कबूतरबाजी की लिस्ट के अंदर एक हमारे जावेद भाई, एक मास्टर जी अफजाल भाई जमुनापार वाले, भाई उनका भी कोई जोड़ तोड़ नहीं है भाई हुनर के मामले में। मैं अपने जावेद भाई का भी स्वागत कर रहा हूँ भाई। और भाई ये MCD के ऑफिसर टाइम से ऊपर हो गए हैं, क्या नाम है, 8 बजे की ड्यूटी थी, 9 बज गए, भाई इनका भी स्वागत कर रहा हूँ। ये हमारा भाई इरफान, जोरदार तालियां हमारे इरफान भाई के लिए। भाई मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूँ, मेरा भाई सोच उठ के आया इसके लिए। और ये मेरा भाई हारून, और तुम जानते हो भाई हारून नाम के होते कैसे हैं। भाई मैं हारून भाई का स्वागत कर रहा हूँ। भाई मुस्तफा वास्ते है भाई के मोहब्बत से बात करे तो सोच समझ के कर रहा है भाई कोई भी भाई। मैं भाई उनका स्वागत कर रहा हूँ जी कंप्लीट के अंदर। ये भाई ये इज्जत जो है ना, ये इज्जत ये मैं किसी को नहीं दिला रहा, ये इज्जत ऊपर वाला बिल्लू भाई को दिला रहा है। ये उनके नसीब में, मेरे नसीब में नहीं है। मैं तो सिर्फ इंजॉय करता हूँ, जितने मेरे भाई आ रहे हैं छत के ऊपर ये सब इंजॉय कर रहा है यहाँ पर आके। और भाई इस छत के ऊपर जितने भी मेरे मिलने वाले जिनसे मेरा प्यार है सबका आके, सब आओ अपने नाम से उड़ाओ, खूब कबूतर शौक करो, फुल इंजॉय करके भाई बढ़िया करके भाई। बस सबसे बड़ी बात क्या है और कुछ नहीं, कबूतर उड़ा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई आज जो ना कबूतर मेरे मतलब का आज भी नहीं उड़ा है, जैसे कल उड़ा था और परसों उड़ा था। कल हवा नहीं थी बिल्कुल भी, उसके बावजूद भी कबूतर गाढ़ा हो गया था बिल्कुल एकदम। और परसों तो भाई कोई जोड़ी नहीं था कबूतर का। मैं तो कह रही हूँ भाई अल्लाह ताला ऐसी इज्जत सबको दिलाए, मुझे नहीं सब उसके बंदे हैं, मेरे लिए नहीं कि मेरे लिए नसीब में लिखा हुआ है, सबका शौक है समझिए। पर क्या है, सारा दरोमदार नियत के ऊपर है। सही बात, हमारी नियत सही होगी तो हमारा काम होगा, और हमारी नियत खराब है हम कभी जिंदगी में काम नहीं हो सकते। क्यों, हम लोग दूसरों से जलते हैं। सही बात, हमेशा अपना झाँको दूसरे का मत झाँको। तुम दूसरों का झाँकोगे तो झाँकते ही रह जाओगे, कभी उड़ा नहीं सकते कबूतर तुम जिंदगी में। सही बात। और भाई देखो प्यार मोहब्बत से बड़े कुछ नहीं है, ये सब प्यार मोहब्बत ही है। एक भाई नवेठा से आ रहा है, एक भाई मुस्तफाबाद से आ रहा है, एक भाई सायक अली से आ रही है, एक भाई नबी करीम से आ रही है, एक भाई भाड़े से आ रही है, एक पल्ले बड़े ऑफिसर आ गए भाई टाइम से पहले। और क्या लोग और उससे तक क्या लोग, और भाई नवेठा से आए, बहुत बड़ी बात है। और नहीं मेरे भाई विशाल भाई को बड़ी तमन्ना थी मेरी छत पे आने की, दो साल से तमन्ना थी। पर क्या है, हर बार ऊपर नीचे होती भाई, कहता भाई एक दफा इधर, पर इस बार मैंने विशाल भाई को ऐसे दीदार करा दिए बस बस कि विशाल भाई भी घूमूंगा। विशाल भाई क्या मजा आया नहीं आया सच में, अभी जब ऑडियंस देखेगी तो मजा आ जाएगा सच में। कभी शौक देखा ऐसा नहीं, मैंने नहीं देखा, और वाकई में ऐसे ले रखे हैं इस मौसम में तो लोग कुर्सी बैठ के छीपी लाने में साल का। अरे वो 31 कबूतर की तो बात ही नहीं हो रही जो मैंने इनको चीज दिखा दी है। सच में वो कबूतर तो अलग, जो इन्हें चीज दिखा दी है वो तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही। वाकई में विशाल भाई तो कितने टाइम पे भाई विशाल भाई घूम गए, नहीं घूम गए, मैं घूम नहीं गया, मैं रोंगटे खड़े हो गए। ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं तारीफ कर दूँ किसी की भी, वाकई में ये बात थी कि जब मैंने कबूतर देखे तो मैं रोंगटे खड़े हो गए सच में, ऐसे कबूतर थे सच में। मैं इतना खुश हो गया अंदर से, मैंने देखा यार मेरा इतना अच्छा नसीब है कि मैंने वो कबूतर देख लिया बस। मतलब अरे कबूतरबाज का एक शौक होता है ना भाई, ये सब ना सब ये ना तो मैं खरीद के लेके आया, सही बात, ना मैंने किसी से मंगाया, ये सब मेरे पास तोहफे में आए हैं। नहीं नहीं बहुत, और ये सब बिल्लू भाई ने दिए मेरे को भाई, किसी ने दिए बिल्लू भाई ने दिए, मैं दराय नाम लेता हूँ, लोगों की लगती लग जाए, लोगों की लगती लगते रहे, पर दिए उन्होंने। और देखो कबूतरबाजी तो आज है कल नहीं है, इज्जत इंशाल्लाह ऐसी रहेगी जब तक जिंदगी ऐसी। और नहीं ये अभी आपकी बहुत बड़ी बात है, आप वीडियो में जोन सी भी वीडियो बनाते हो, किसी की वीडियो बनाते हो, कहीं भी आप बोलते हो तो दो ही नाम आपके चेहरे मुंह पे आते हैं, एक तो अल्लाह का और एक बिल्लू भाई। भाई हम सबको ना
सब वही चला रही है। सही बात है, भगवान भाई गुरु भाई वही चला रही है, हमारी कोई ताकत नहीं है। सही बात है, हम यहाँ शौक कर लें या कुछ कर लें, हमारी कोई ताकत नहीं है, सब वही चला रही है। मुझे तो भाई जिस जहाँ दिल्ली के अंदर कहीं भी शौक होता है मैं उसकी वहाँ हौसला अफजाई करने जाता हूँ। क्यों भाई, मेरा दिल साफ है, मेरा दिल किसी के लिए किना नहीं है बिल्कुल। सही बात, चाहे कोई इसमें उस्ताद हो या खलीफा हो, पर क्या है मैं बोलने से बात नहीं आता भाई, कह बगैर चुकता नहीं मैं। जो बात हकीकत होती है वो कहता जरूर, वो कहता जो भाई किसी को बुरी लगती रहती है। क्यों, आज का टाइम पता क्या है, अगर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ ना तो मैं मुझसे बड़े कोई नहीं अच्छा बंदा। सही बात, और मैं जरा से आपकी बुराई कर रहा हूँ सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ। तो इससे बढ़िया ये भाई जहाँ कहीं हौसला अफजाई उसकी हौसला करने जाओ। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, जब भी किसी से कोई तुम्हें आवाज़ देने जाए जी जी, वो आपके मियार का हो तो उसे दौड़ फंसाओ, और वो आपके मियार का नहीं हो दौड़ में फंसाओ, हाथ जोड़ लेना, क्योंकि इज्जत से बड़ी कोई कुछ नहीं है भाई। सही बात है, एक टाइम पे पैसा आ जाता है, इज्जत नहीं आती। बड़े बड़े पैसे लोगों को देखा मैंने, इज्जत नहीं आती। ये सबसे बड़ी है, तुम देखो अपने मियार का है, वरना हाथ जोड़ लेना वहीं पर ही। और भाई मैं तो क्यों फिर मैं कह बगैर बात जाऊँगा, मुझे दिल्ली के सदर से रिक्वेस्ट है जी जी, ऐसा रुतबा जी, ऐसी शोहरत जी, ऊपर वाला किसी को नहीं देता। बड़े 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 पैसे वाले लाइन में लगे होते हैं। सही बात है, किसी को शोहरत नहीं देता ऊपर वाला। दानिश भाई मैं आपसे कह रहा हूँ जी जी, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और आपसे वो काम ले रही है, ये इलाके वाले ये कोई कोई काम ले रहा, ये वो काम ले रहा, आप बड़े नसीबों वाले हो, आपसे वो काम ले रहा है। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई किसी को आवाज़ देने है 50,000 रुपये पहले सिक्योरिटी जमा करा दे। बात मुझे बहुत बढ़िया लगी है, सिक्योरिटी जमा करा दे 50,000 रुपये, तू जा उसको आवाज़ देने। सही, क्यों उसको खतरा रहेगा अगर मैंने बदतमीजी करी क्या कोई दूसरा बदतमीजी करा। सही बात, तो मेरे 50,000 डूब जाएंगे। और भाई उसके हराम क्यों हो, तो क्या भैया डूबे डूबते मुझे बदतमीजी करनी करनी। हाँ बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। सच में मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूँ, आप ये जो बात बोली ना बहुत अच्छी बात बोली है। कोई किसी को भी दे देता है आवाज़। इज्जतदार अपनी इज्जत को उभर रही है, गंदर नीचे से निकल के आ रही है और उभर रही है। तो भाई इसको उभरने मत दो, उसे दबाने की कोशिश करो। सही बात है, और गंदा भाई पैसे जमा ही नहीं करेगा। हाँ। तो नहीं करेगा, सही होगा वही पैसे। क्यों आज का वक्त ऐसा 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 वक्त आ गया आज का जी जी, जरा सा बच्चा आता है वो उस्ताद को आवाज़ दे रहा है, उस्ताद का रुतबा क्या आता है। बिल्कुल सही बात, माँ बाप ज्यादा रुतबा है। क्यों, उस्ताद जो है ना वो रोटी खाने का रिजक सिखा रही है, कबूतरबाजी अपने चाहे वो कबूतरबाजी हो चाहे हुनर का काम की जगह हो, पर उस्ताद का बहुत बड़ा रुतबा है। सही बात है, तो उस्ताद का रुतबा समझो तुमने, अगर उस्ताद का रुतबा कर लिया समझो ऊपर वाले की तुमने बिल्कुल खिदमत कर ली जी जी बिल्कुल। तो भाई यही है सबसे बढ़िया, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो और फिर देखो। ये तो नहीं तुम घर में तो गालियां पकड़ो उस्ताद के पैर दबा रहो जाके, उस्ताद को भी तुम ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, पहले माँ करो फिर जाओ देखो फिर जलवा तुम जी जी। भाई आज जो भी कुछ है ना, ये कबूतर उड़ रही है, ये उड़ रही है, ये सब मेरे भाइयों की बड़ों की, और भाई उसका बहुत बड़ा करम है, और मेरी माँ की और मेरे बाबू की बहुत बड़ी हिम्मत है भाई। और कहाँ से कैसे होता है मुझे नहीं पता, आज तक मुझे नहीं पता। मैं बकरी का दूध बांटता था मैं दुकान पे, रोजाना 60-70 आदमी मेरे पास लाइन लगी होती थी, और दूध कहाँ से आता था मुझे आज तक नहीं पता, जितनी पब्लिक उतना दूध। अब देखो इसकी मेहर नहीं है, मैं क्या करूँ। अब ऐसे छड़े में कबूतर कोई उड़ाएगा? सही बात है, कोई उड़ा सकता, कोई नहीं उड़ा सकता। अगर दौड़ फंस गई ना तो मेरा एक मेरा एक जुनून था भाई सबको इज्जत दिलाने, बिल्लू भाई को। हाँ। आज मेरा दिल खुश हो गया, मेरा 4 भाई आ गए, उन्होंने तारीफ कर दी बिल्लू भाई की, मेरा दिल खुश। नहीं सच बात, बहुत बढ़िया, वाह जी बहुत। अब ये तो भाई बिल्लू भाई का स्वाद यही करेंगे, जावेद भाई सब भाई बिल्लू भाई का क्या कहते हैं, अब कर लो बिल्लू भाई का, और मेरी जगह भाई हमारे दानिश भाई का। दानिश भाई दानिश भाई आ जाओ यार, इरफान भाई बाहर निकल, तुम तो काम खोलो। बिल्लू भाई का स्वागत कर रहा हूँ भाई, किस खुशी में फसल कर रहा हूँ भाई, कबूतर अच्छा उड़ रहा है, बिल्लू भाई उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्लू भाई उड़ा रहे हैं, और कौन देखो भाई, ये बिल्लू भाई का स्वागत है, बिल्लू भाई उड़ा रहे हैं भाई इसको, ये बिल्लू भाई का स्वागत है भाई। भाई जैसे आज जी ने बताया बिल्लू भाई की सरपरस्ती में कबूतर उड़ रहा है भाई, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ रहा है, बढ़िया दिल खुश हो गया। इसलिए भाई वो तो है नहीं, तो अपने भाई का हम स्वागत कर रहे हैं, लाजवाब भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, स्वागत करता हूँ बिल्लू भाई का मैं। ये सब भाई बिल्लू भाई का स्वागत हो रहा है भाई, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मगर अरुण भाई मैं वीडियो में मैं भी कुछ कहें तो आप बोलते, तो मैं भी जब कभी सीजन में आप बिल्लू भाई को भी लेकर आओगे तो भाई बिल्लू भाई वीडियो बजाने से भागते हैं, बचते हैं कोसा। हमारी भी रिक्वेस्ट है ये, हमने रिक्वेस्ट दे दिया, रिक्वेस्ट तुम उनसे कर सकते हो। हाँ हमने रिक्वेस्ट कर दिया कि वो भी आए, वीडियो बना के भेज देना ये बिल्लू भाई के लिए, क्या कह रहे हैं भाई। हाँ मैं भी कैमरे से भागता हूँ, मैं भी तो भागता हूँ, थोड़े दिन जा रहे हैं, अरुण भाई का स्वागत कर रहे हैं इसलिए हम। बहुत बढ़िया, नवेटा से और बहुत अच्छे लाजवाब बंदे जो आते हैं, जितनी तारीफ करे कम है। हम तो भाई भाई का स्वागत कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, विशाल भाई का मेरी तरफ से भी स्वागत है भाई, नवेटा से आना आसान काम नहीं, वो भी सुबह 6 बजे
इनकी मेहरबानी हारून भाई की छत पे आई है। जावेद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद भाई से हमारी दोस्ती होगी बहुत अच्छी है। स्वागत है विशाल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हम भी स्वागत कर रहे हैं भाई का। उस्ताद का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे पांच थे, पांच थे एक्सपर्ट वर्ड्स के नाम से मशहूर है ये, और हमारे देखो दोनों मूवी बनाते हैं, एक से एक बढ़कर बनाते हैं, और ये देखो दोनों खड़े हैं आपस में, और ये मोहब्बत है इनकी जो निवेदन से यहाँ पर आए हारून भाई के यहाँ। भाई देखो ये प्यार होता है इंसान का, इंसान पहुंच जाता है, और सुबह 6 बजे उठ के हमसे 5 बजे निकले होंगे, एक डेढ़ घंटे यहाँ पहुंचे बिल्कुल, और हारून भाई सो रहे हैं। हाँ मैं सो रहा था भाई, मूवी दाने ज्वाइन अपने उठा कर रहा है। ये है गुलाबी चानना माग चानना, और ऐसी रखना हारून भाई चोटीदार। अरे वाह हारून भाई, सच बताऊं 2 साल से वेट कर रहा हूं, 2 साल से सच में। वाह जी वाह भाई, वही शख्स हो आप जो मैं वीडियो बनाने बड़े बड़े आए। सच में भाई, सच में क्या कहूँ। और मैं इससे भी, ये सब हमारे बिल्लू भाई की देने। एक बार सामने से दिखा दो। ओए होए ऐसी, वाह जी वाह, जहर है सच में, मज़ा ही आ गया देख के इसको भाई। मैं तो सफ़ा कहता हूँ, ये सब ऊपर वाले ने मुझे दे रखे हैं, और ये मेरे नहीं है, मेरे सब मेरे भाई हैं जितने मेरे मिलने वाले हैं। जी जी जी, सब उन्हीं के हैं भाई, और भाई ऊपर वाले ने मुझे दिए, और ऊपर वाले के सब बंदे हैं। एक बार और बताइए कि ये कबूतर है कौन सा। ये तो गुलाबी इसमें इतना डूब गया ना, इतना डूब गया अभी कि मैं नाम ही भूल गया। अभी मैं और डुबाऊंगा तुम्हारा, चिंता मत करो, थोड़ा करो, थोड़ा और डुबाऊंगा तुम्हारे को। हाँ, क्योंकि कौन सा कबूतर है ये? गुलाबी चानना है जी, ये कलर गुलाबियों में अलग ही कलर है ये। वाह वाह वाह, मतलब भाई सब मैं कह रहा हूँ खुदा का कोई वो है कि मैं इतना अच्छा शौक देख पा रहा हूँ सच में। हारून भाई दिल खुश हो गया मेरा सच में। और अभी मैं तुम्हारे को और नयाब चीज़ें दिखाऊंगा तुम्हारे को मैं। वाह जी, ये हमारे बिल्लू भाई ने दिए भाई हमारे को, ये सब तोहफे में आए हैं भाई। बहुत ही बढ़िया, वो शख्स ऐसा है उसने अपना कलेजा निकाल के हमारे हाथ में दे रखा है भाई साहब। सही में सही में, आप उनकी बहुत मतलब बहुत वो करते हैं, तारीफ करते हैं सच नहीं भाई। देखो मेरे में क्या है, अगर मेरा दुश्मन भी होगा ना मैं उसकी भी तारीफ करूँगा, वो अच्छा होगा। जी जी, क्यों भाई, जिसका जो हक है हक है जी बिल्कुल। ये मैं अगर पैसा खर्च करने के बाद भी ये शौक कर पाता ना तो मेरा शौक नहीं होता। बहुत बढ़िया, ये सब उन्होंने दिया भाई, मैं उनकी तय दिल से इज्जत करता हूँ इस चीज़ के बारे में। कबूतरबाजी अगर मैंने कबूतरबाजी कल मैंने खत्म भी कर दी ना जी जी, तो मेरी इज्जत वही बरकरार रहेगी आज भी उस बंदे के लिए। मगर क्या चीज़ है सच में, बहुत प्यारा लग रहा है। आओ तो मैं एक चीज़ और दिखाऊं जी, तो तुमने देख ही ली जी। ये देखो हारून भाई कौन सा है? ये है चॉकलेटी कलर माग चन्ना, माग चन्ना और चोटीदार कलर, देखो ये कलर। वाह भाई वाह, और ये भी हमारे बिल्लू भाई की देने हैं। तो अरुण भाई मुझे ये बात पूछनी है, ये वाला जो है जो आपने पहले कबूतर दिखाया है इससे ये जोड़ा है या ये अलग ये है? अलग अलग है, अलग अलग है भाई, मैं ऐसे कबूतर उड़ाता हूँ। नहीं सही बात है, क्यों मैंने लोगों की भाई आदतें ख़राब करी हैं, लोग मेरे पीछे यूँ लगते हैं। इस बार जो कबूतर लाए ये हमारे भाई साहब ने दिलाया कबूतर हमारे को, दिखाऊँ ऊपर वो उड़ रहे हैं। जी जी जी, वो ऐसे कबूतर दिलाए बस उठाए, 13 तारीख को कबूतर आए थे, 22 तारीख को मैंने कबूतर चालू कर दिया। तो वो जो आपको दिलवाए नए वाले वो भी बिल्लू भाई के ही हैं? वो सब बिल्लू भाई ने दिलाए मेरे पास। मैं जी जी, मैं कह रहा हूँ मगर मैं पैसा खर्च के शौक करता था, मेरा शौक नहीं होता वैसा, शौक नहीं होता सच में सच में। और आज जब से छोड़ गया उनका पता नहीं है उनका, अभी उन्होंने पूछा नहीं मैं कौन से कबूतर कहूँगा क्या चलूँगा। मतलब मैं ये बता दूँ आपको कि इन कबूतरों को देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतने तगड़े कबूतर लग रहे हैं। और मतलब चेहरे मोरे से देख लो, कलर से देख लो, चोंच देख लो, क्या लाजवाब कबूतर है सच। माग चन्ना है पूरा। वाह जी वाह, मतलब हमारी ऑडियंस को मतलब आज दिखने वाला है कुछ तगड़ा। वाह वाह वाह, मतलब 10-10 परों से चानना है, ऐसा भी नहीं कि मतलब। वाह वाह जी, और सबसे बड़ी खूबी क्या है इसके अंदर? जी जी, ये भाई चोटीदार है ये। हाँ, देखो। और यही मैंने अपनी अभी ऑडियंस को जब सेटअप दिखाया तो यही बताया कि सारे चोटीदार, मतलब भाई 10 चोटीदार उसने, 20 उसने, मतलब पूरा का पूरा सेटअप भी चोटीदार से है भाई। यानी मैंने दानिश भाई से गाइस बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनने को मिली है, और आप भी इतना प्यारा शौक देख पा रहे हो, पूरे पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा अभी शौक। वाह भाई वाह, और मगर मैं आपका ये एक ही सच बताऊं कि थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप इतना अच्छा शौक दिखा रहे हो। लोग दिखाते नहीं, लोग छुपा के बैठ जाते हैं, मगर आप दिखा रहे हो वो भाई। मैं तो फिर कहता हूं मेरे तो है ही नहीं। जी जी जी, मुझे तो ऊपर वाले ने दे रखे हैं, और ऊपर वाले के सब बंदे भाई बहुत मेरे दिल में, ना तो कल किसी के लिए गिना दी ना आज किसी के लिए, मेरा दिल साफ है जी जी। जब भी ऊपर वाला मेरा शौक कराता है जी जी, और शौक भी ऐसा कराता है मेरी सोच से भी ऊपर शौक कराता है जी जी जी। मैं किसी के बुरे में नहीं हूँ बस। और मैं ये देखो, अब तुम ये चीज़ देखो, कोई ऐसी चीज़ें उठा के अपने घर से दे देगा नहीं, बस कोई नहीं दे सकता, सच बात है। अब वो बंदा तारीफ पे लायक है नहीं है बिल्लू भाई। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। मैं तो उन्हें देखा नहीं, उनसे मिला नहीं, मगर ये चीज़ देख के मैं खुश हो गया भाई। वो वीडियो बनवाने से घबराते हैं। सही बात, और
और ये जो इज्जत जितनी भी ऊपर वाला ये जो इनकी इज्जत मिल रही है ना, सही बात, ये मैं नहीं दिला दे रहा, ये ऊपर वाला दिलवा रही है इनको इज्जत। सही बात है, सही है। ये उन लोगों के लिए नसीहत है जिन लोगों ने इनके लिए गलत बातें करी, गलत सोचा, गलत विचार इनके लिए रखे। जी जी जी, हीरा आदमी हो। अब इस बात पे भी लोग मतलब बनाने के कहने में, वो तो देखो इसका तो पर अब बाप है और यूं है कि दुनिया तो बोलने के लिए है, मुंह पे कोई नहीं बोली पीछे कर सकती है। सही है, सामने के और जवाब भी हाथ कर लेके जाना। बिल्कुल सही बात है, हमें टाइम नहीं है कहने में, कल जवाब दे देंगे, 100 जवाब देते हैं। बिल्कुल भाई, खुले बने ना, बड़े अच्छों में हैं, अच्छों में बैठे हैं, बुरों में बैठे हैं तो अच्छों में भी बैठे हैं। तो हमने एक बात सीखी है, जो कल गया हमारा पिछला, वो कल पीछे गया चला गया, अब जो आज है ना उसकी के लिए सोच रहे हैं हम। जी जी। और भाई कभी भी अब ये की बात सीख रखी है, जब चलाएंगे अपने कंधे में ना किसी के ऊपर बलबूते नहीं चलाएंगे। बहुत बढ़िया, शौक करता हूँ अपने बलबूते पे, शौक करता हूँ। जी जी। और भाई मेरे पास ऊपर वाले की पूरी सपोर्ट है। सही बात, पूरी सपोर्ट है मेरी को, मेरे को जरा सा भी वो नहीं है, क्यों मैं ना तो मुझे चिकनाव बनाना आता। जी जी। ना मैं कभी तो दाण डालना आता, सिर्फ इंजॉय करता हूँ मैं। और इस छत के ऊपर जो भी भाई मेरा आता है वो सिर्फ इंजॉय करता है मेरा। करो शौक जी हरुण भाई। देखो लोग कहते हैं लालवन चांदने, लालवन चांदने। जी जी जी, लालवन चांदने। देखो जी, दसों पर हद है सच में। वाह भाई वाह, बहुत तगड़ी क्वालिटी है सच में, पर भी बहुत प्यारे हैं। और ये देखो, वाह जी, और इसकी खूबसूरती देखो, ये भी चोटीदार है। वाह जी वाह भाई, बहुत बढ़िया। ये मोखिया है लंदन, इसको देखो, उसको इसको ऐसे लग लग रहे हैं। देखो देखो जी, ये है मुखी है। वाह जी वाह, तो इसको भी हम गुलाबी बोलेंगे क्या? ना ये मुखी है। अच्छा मुखी है, वो गुलाबी थे, है गुलाबी में आते हैं पर मुखी है। ये भी चोटीदार है जी। वाह वाह वाह, ओए होए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये भी बिल्लू भाई की यहाँ नसल है। वाह जी वाह, बहुत तारीफ़ करता है हरुण भाई की। जी बहुत जी। तारीफ करता है बिल्लू भाई की। जी जी भाई, मैं तारीफ नहीं करता, मुझसे तो वो करवा रही है। नहीं पता क्या ये भाई, मुझसे तारीफ बिल्कुल सही। हाँ। और नहीं बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊँ कि वाकई में चीज़ है, हो सकता है कैमरे में शायद तब भी 19-20 दिख रहा हो, मगर सामने देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। दसों हाथों पर चढ़ना है। वाह भाई, दिल खुश हो गया सच में, बहुत बढ़िया। सो गाइज, ये जो आप देख रहे हैं, ये हरुण भाई के जोड़ों का शौक कर रहे हैं आप, ये देखिए। वाह भाई वाह, अभी तो मैं आपको ब्रीडिंग सेटअप दिखा रहा हूँ, बेसिकली आप ब्रीडिंग सेटअप भी देख लो कि किस तरीके से बना रखा है। वाह भाई वाह, ये चेक करो गाइस। तो आप बहुत ज्यादा वीडियोस में आप बहुत ज्यादा कहते हैं कि आप जोड़ों का शौक भी कराएं, जोड़ों का शौक भी कराएं, तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद ये देख रहे हो आप, इतना बढ़िया सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप भी कुछ सीख सकते हैं तो सीख सकते हैं। और ये देखो हरुण भाई ने ये जो बना रखा है, ये देखो, ये चेक करो, सब जुगाड़ से बना रखा है, इतना बढ़िया। वाह जी वाह, और अभी भी ब्रीडिंग चालू है। ये देखो भाई, ये देखो बच्चे भी निकले हुए हैं, ये देखो बच्चे। और आपको एक खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप आपने ध्यान दिया कि इसमें एक कबूतर भी बिना चोटी का नहीं है, जितने भी कबूतर हैं, जितने भी कबूतर, बच्चा हो बड़ा हो जो भी हो, सब चोटीदार हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यही खासियत है बस यहाँ की, देख रहे हो, कोई एक कबूतर भी बिना चोटी के नहीं है, सब चोटीदार कबूतर है।